हेलो एवरीवन, नेहा ब्यूटी चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसा DIY बताने वाली हूँ जो बहुत ही इफेक्टिव है, जो आपकी स्किन प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, जो स्किन के स्कार्स, हाइपर पिगमेंटेशन, सन टैन, सन बर्न, सबको रिमूव करेगा। बहुत ही इफेक्टिव और बढ़िया फेस मास्क है ये, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा समर्स में, तो आपकी स्किन के जो भी इशू है वो सारे धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। तो आज जो मैं फेस मास्क की बात कर रही हूँ वो है पोटैटो फेस मास्क। जो पोटैटो होता है वो हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा है। सबसे मेन बात यह है कि जिस सबके किचन में अवेलेबल होता है और बहुत ही सिंपल रेमेडी है, वो सभी इंग्रेडिएंट आपके घर में ही मिल जाएंगे। ट्राई करेंगे डेफिनेटली आपकी स्किन प्रॉब्लम्स अभी दूर हो जाएंगी, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कीजिएगा। मैं खुद इसे ट्राई करती हूँ इसलिए आपके साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट चाहिए, इसके लिए आपको फर्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए आलू। आलू को आपने अच्छे से धोकर कद्दूकस कर लेना है। कद्दूकस करने के बाद आपने एक छन्नी की हेल्प से इसका रस या फिर एक कॉटन के कपड़े से इसका रस निकाल लेना है। उसके बाद जो सेकंड इंग्रेडिएंट चाहिए वो है नींबू। नींबू में आपने आधा नींबू लेना है, उसको इस रस में निचोड़ देना है। अब इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद आपने एक कॉटन की हेल्प से इस मिक्सचर को अपने चेहरे पे लगाना है और आपने एक बार लगाने के बाद 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। 10 मिनट के बाद आपने दोबारा फिर कॉटन की हेल्प से इसको पूरे चेहरे पे लगाना है। उसके बाद 10 मिनट फिर छोड़ देना है। फिर आपने नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा धो लेना है। सबसे पहले हम आलू के बेनिफिट्स की बात करते हैं। आलू जितना खाने में अच्छा लगता है उतना ही आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। आलू में नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट होते हैं जिससे आपकी स्किन गोरी और बेदाग होती है, और ये हमारी रिंकल्स और फाइन लाइंस को भी रिमूव करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। और जो आलू होता है वो हमारी सन टैन, सन बर्न और हमारी स्किन पे कोई भी दाग धब्बे हैं उन्हें रिमूव करने में बहुत हेल्प करता है। और जो सेकंड इंग्रेडिएंट लिया था वो था नींबू। नींबू जो है वो भी हमारे दाग धब्बों को साफ करने में और स्किन को लाइट करने में बहुत हेल्प करता है। देखिए, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन क्लिक कीजिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।